सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं हूं रूपाली और फिर आपके साथ है एक बार लाइव में. और आज हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन सिंगर प्रियंका नेगी. तो प्रियंका के साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे उन सिंगिंग की कैसे शुरुआत हुई. और रिसेंटली प्रियंका का एक गाना भी आया था जो बहुत वायरल हो रहा है, आवारा कोरोना के नाम से. तो कुछ ही देर में प्रियंका हमारे साथ जुड़ने वाली है. तो आप कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं. हाय संतोष, हाय पटेल, हाय अनुरोध, आई एम फाइन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? हाय सोनी, आई एम फाइन. तो प्रियंका से आप कुछ भी और उनकी आवाज में आप कोई भी फरमाइश है आप लोगों की तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जल्दी उनकी आवाज में सुनेंगे. या हाय, हाय अनमोल, हाय सैंडी, हाय एवरीवन. हाय इकबाल, आई एम फाइन, हाउ आर यू ऑल, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? क्वारंटाइन चल रहा है और सब लोग घर पर हैं. और वैसे कुछ ना कुछ सारे लोग कुछ डिशेज बना रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं. तो या आई एम फाइन गुड्डू, हाउ आर यू डूइंग? या आई एम ग्रेट, हाउ आर यू ऑल? थैंक यू ऑल. ओके, विंकी इज आस्किंग यू हैड लंच. नो, आई डोंट हैव लंच, अभी तो एक बजा है, अभी मैं आपके साथ लाइव हूँ और लाइव के बाद फिर करेंगे लंच. और बर्जेश इज आस्किंग मैम कहाँ से? आई एम फ्रॉम मुंबई. और आप कहाँ से हैं? ओके, यस, प्रियंका इज कमिंग इन अ वाइल. और प्रियंका से हम बहुत सारी बातें करेंगे. प्रियंका से जानेंगे कि अभी उनका जो गाना आया था आवारा कोरोना, उनकी आवाज में वो भी सुनने वाले हैं. और कुछ भी अगर आप उनकी आवाज में सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनके बहुत सारे गाने सुने उनकी आवाज में. आपकी कुछ भी फेवरेट सॉन्ग्स हों, आई थिंक इस समय नेट इतना ज्यादा चल रहा है ना, सब लोग इतना यूज कर रहे हैं घर पे बैठ कर के, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है. तो अभी अगेन इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके, यू आर फ्रॉम पंजाब, ब्रिजेश, ग्रेट. वहां पर कैसा चल रहा है सब सारी चीजें? और यस, वी आर कमिंग, आई थिंक अगेन इट्स सम अदर नेटवर्क इश्यू, बट स्टिल हम कुछ ही देर में लाइव आने वाले हैं प्रियंका के साथ. लाइव जुड़ेंगी हमारे साथ प्रियंका. प्रियंका की बात करें, प्रियंका बहुत अच्छी सिंगर है, इंडियन आइडल में भी उन्हें काफी बार देख चुके हैं. और अभी उनका एक गाना आया है आवारा कोरोना के नाम से जो बहुत वायरल है. तो और क्या कुछ नया आने वाला है, उनकी क्या क्या एल्बम्स आने वाली है, हम वो सब जानेंगे. ऑल गुड, हाउ आर यू ऑल गाइस? क्या प्रियंका के साथ हम कुछ ही देर में लाइव आने वाले हैं. तो यस, वी आर कमिंग इन अ व्हाइल. और प्रियंका का भी, या आई थिंक शी इज हियर. हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ. आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, हम काफी देर से आपको ट्राई कर रहे थे. Yeah, I was trying to connect, लेकिन वो आ रहा है नेटवर्क, जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. बट फाइनली सो व्हाट्सअप, क्या कुछ चल रहा है? आप उत्तराखंड में इस समय? हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने होम टाउन में हूँ, देहरादून में. और बस आई एम विद माई फैमिली, हैविंग अ गुड टाइम. ग्रेट. और इस समय अगर फैमिली के साथ ही, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? राइट. तो क्या कुछ कर रहे हो अभी लॉकडाउन है? वैसे सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशंस करती हूँ, आपका जो आवारा कोरोना सॉन्ग है ना, सीरियसली बहुत अमेजिंग सॉन्ग है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. एंड हम शुरुआत ही आपकी दो लाइन से करते हैं.
क्योंकि फैंस बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपको, और आप अगर वो दो लाइन सुनाएंगे तो. हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड सेफ एंड घर पे हैं अभी भी. बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ हार्ट्स. वाओ नाइस. ओके सो आवारा कोरोना इट इज. ये कोरोना बहुत ही आवारा किस्म का है, इसको समझ जाओ जो लोग समझे नहीं है अभी तक. कोरोना है जो आया है चीन की ये माया, कोई रोक न पाया ये ढेट है बड़ा. बचने का तरीका टीवी पे दिखाया, पीएम ने भी समझाया तू ही ना समझा. बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस दे आएगा. ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा. वाओ ब्यूटीफुल, सीरियसली अमेजिंग, मजा आ गया. थैंक यू. अच्छा मतलब ये कैसे, आप क्या था इसके पीछे, आप थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएंगे, कहाँ से आइडिया आया ये गाने का? ये आइडिया मेरे पापा का था. हम लोग ऐसे ही बैठ के कुछ म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, लिख रहे थे, तो पापा अचानक से आए हम तीनों के पास. हम तीन भाई बहन है, मेरी छोटी बहन और भाई, इन दोनों ने लिरिक्स लिखे हैं इस पैरोडी के. और आइडिया पूरा पापा का था कि कुछ कोरोना के ऊपर लिखो जिससे लोग अवेयर हों, और म्यूजिक के थ्रू शायद लोग समझ पाए कि करना क्या है इस टाइम पे. तो यार आई थिंक इट वर्क्ड एंड पीपल लव्ड इट. सीरियसली पीपल आर लविंग इट, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है. तो अभी इससे पहले भी आप तीनों ने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन या कुछ ऐसा बनाया था? कभी भी नहीं, कभी नहीं. मतलब एक गाना है मेरा काला जोड़ा, ये सिंगल जो है वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ था मेरे ही चैनल पे प्रियंका नेगी के नाम से जो है, और वो जो उसके जो लिरिक्स है वो मेरी बहन ने लिखे थे. या आई थिंक दैट वाज, बट दैट वाज एन ओरिजिनल सॉन्ग. कभी ऐसे पैरोडी नहीं थी कि किसी की धुन पे हमने कुछ लिखा कुछ अलग सा. सो आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी रोट समथिंग लाइक दिस. या तो अगर मैं फैंस को बता दूं कि आपने अगर गाना नहीं सुना है प्रियंका का, तो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सुन सकते हैं. वैसे तो आवारा कोरोना अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो अपने आप गाना आ जाएगा, वायरल हो रहा है. एक्चुअली आवारा कोरोना इज अपलोडेड ऑन सारेगामा म्यूजिक चैनल, मेरे चैनल पे नहीं है. ये सारेगामा म्यूजिक चैनल पे है, तो जिन्होंने नहीं सुना है वो सारेगामा के यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सुन सकते हैं. क्योंकि ये उनकी है, बहुत ही पुराना गाना है. है अपना दिल तो आवारा, इस पे हम लोगों ने लिखा है, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था. हमें लगा कि जो हमने लिखा है शायद इस वाले गाने पे बिल्कुल परफेक्ट जाएगा. सो या लाइक हम लोगों ने फिर शुरू कर दी, कर दिया काम करना इस पे. बिल्कुल. अच्छा अगर हम बात करें, अभी क्वारंटाइन है और लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या कुछ करते हो घर पे, क्या कैसे शेड्यूल रहता है? वही घर पे, घर का सारा काम, फिटनेस पे फोकस दीज डेज, एंड या लर्निंग न्यू डिशेस, लर्निंग कुकिंग, और बहुत सारी वो चीजें जो मैं करना चाहती थी जिसके लिए कभी टाइम नहीं मिल पाता था. आई एम फोकसिंग मोर ऑन सोशल मीडिया नाउ, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी रहती थी तो कभी भी टाइम नहीं मिलता था कि कुछ बनाए, चलो कुछ यू नो पोस्ट करे. एवरी डे पॉसिबल नहीं हो पाता है, इट्स वेरी हेक्टिक कि आप पूरा प्लान करो यू नो. सो नाउ आई थिंक आई एम मोर फोकस्ड ऑन सोशल मीडिया. मैं अपने काफी सारे टिकटॉक बना रही हूँ, जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है टिकटॉक पे वो भी कर सकते हैं. प्रियंका नेगी ऑफिशियल के नाम से ही है मेरा आईडी. या दे कैन गो एंड चेक आउट माय वीडियोस देयर. ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कुछ डिशेज ऐसी फेमस हैं जो आपको बनानी आती हैं? यहाँ पे तो राजमा इज वेरी पॉपुलर, फेमस है. अच्छा. फिर जो पहाड़ी डिशेस होते हैं, लाइक टिपिकल डिशेस की अगर बात करें, तो बहुत सारी डिशेस रहती है. लाइक यू नो आटे का हलवा बनाते हैं, तो आटे का हलवा बना के उसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और उसमें एकदम देसी घी डालते हैं और वो खाते हैं, इट्स वेरी हेल्दी आल्सो, एंड उसको बोलते हैं खेंडाड़ी. तो खेंडाड़ी इज द नेम ऑफ दिस डिश. एंड फिर एक और आता है कुलवे बोलते हैं,
तो या उलवे, उलवे जो है वो इट्स लाइक मोमोज, लेकिन उसके अंदर दाल भरते हैं, जो मसूर की दाल होती है वो भर के उसको स्टीम किया जाता है नमकीन वाले, और मीठे वाले गुजिया की तरह होती है जिसमें सूजी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के उसको बनाया जाता है स्टीम करके. सो या उलवे एंड खिंडाड़ी, टू डिशेस फ्रॉम पहाड़. ठीक है, तो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आ रही हूँ सीधा वो डिशेस खाने के लिए आपके पास. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उत्तराखंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑल्सो. अगर मुंबई की बात करें, क्योंकि मुंबई में इतना ज्यादा ट्रैफिक और इतना ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, और उत्तराखंड तो इज अ नाइस प्लेस. या आप कहाँ से लाइव आ रहे हैं? मुंबई ओ योर मुंबई. मुंबई में मैंने सुना है काफी हालत खराब है, बढ़ते जा रहे हैं पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र. गाइस बी प्लीज बी वेयर, बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहें आप सब. एक्चुअली घर पर ही रहे, लोगों का क्या है ना, अभी भी थोड़ा सा अवेयर तो हो गए, बट फिर भी उतने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं. बाहर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर घर में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, अगर वो घर में स्टे करेंगे तो इट विल बी ओके फॉर देम. राइट 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 राइट, आई नो, बट वही है ना, मतलब वी हैव टू कीप अवेयरिंग देम, हम लोगों को अपनी वॉइस के थ्रू, चाहे वो आप, चाहे आप हो या फिर हम आर्टिस्ट हो या फिर सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, वो जिस भी तरीके से अवेयरनेस फैला सके, आई थिंक फैलाना चाहिए, अवेयर करते रहना चाहिए लोगों को. बिल्कुल. दैट्स और अभी उधर क्या चल रहा है आपके उत्तराखंड में? अभी सारी चीजें अच्छी हैं वहां पर, कि वहां पर है कुछ करोना? उत्तराखंड में काफी कम केसेस है, उतने केसेस नहीं है, बट कम कम केसेस हैं. ओके अच्छा, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो यू स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन आइडल, राइट? इंडियन आइडल से शुरुआत की थी, राइट? अच्छा, कुछ ऐसा बचपन से था चाइल्डहुड में कि आप स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करते थे, या बाद में कुछ ऐसा सिंगिंग का आया, क्या था थोड़ा बताइए. नहीं, मैं कॉलेज में बहुत ही शाय किस्म की थी. मैं मतलब स्कूल एंड कॉलेज में बहुत ही शाय थी मैं. मुझे बहुत डर लगता था स्टेज पे जाके, इवन प्लेज बोलने के लिए मुझे बहुत डर लगता था. बट अचानक से ये हो गया, इंडियन आइडल हुआ, और उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइन ही चेंज हो गई. एंड देन या आई स्टार्टेड सिंगिंग. इसी बात पे इनकी थोड़ी सी रिक्वेस्ट लेते हैं. आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट हाँ फॉर लॉट ऑफ सॉन्ग्स. लाइक क्या क्या सॉन्ग्स बोल रहे हैं? रियल म्यूजिक लास्ट फॉर अखिया सॉन्ग, वाओ, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग जो नौकर गोटी दा मूवी में रिलीज हुआ था, तो यह उसकी दो लाइंस मैं गुनगुनाना चाहूंगी. और भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर चाहत हम लोगों से नहीं बात करनी है जी. नहीं, आप सबसे बात करनी है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट क्या होता है कि कमेंट्स जब नए आते हैं तो फिर पुराने कमेंट्स ऊपर चले जाते, तो हमें दिखता नहीं है, बट वी ट्राई टू टेक ऑल रिक्वेस्ट. सो या होश गवाई बैठी हाँ मैं पुछले हाल वे, इश्क तेरे ने पाया दिल ते जादू जाड़ वे. हाँ, इश्क तेरे ने पाया दिल ते जादू जाड़ वे. तेरे ले खैर रब तो, तेरे ले खैर रब तो, मैनू भी ले लेने देवे. अखियां नू अखियां दी है गल ता कोई कह लेने देवे. अखियां नू अखियां दी है गल ता कोई कह लेने देवे. वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग सॉन्ग. ये आपने कब कौन से ईयर में गाया था? सॉरी, फ्लिप हो गया उससे. हाँ जी, ये लास्ट कॉन्सर्ट था. अच्छा, तो आप पहाड़ी सॉन्ग्स भी गाते हो, पहाड़ी लैंग्वेज आती है? बिल्कुल, पहाड़ी जो लैंग्वेजेस है वो बहुत सारी हैं, पहाड़ की लैंग्वेजेस. और एक मेरी ऑडियो एल्बम रिलीज हुई थी हिमस्वर नाम की, जिसमें चार लैंग्वेजेस हम लोगों ने कवर की थी, हिमाचली, गढ़वाली, चौनसारी, कुमाऊनी, ये चारों लैंग्वेजेस के गाने थे उसमें. और ये यूट्यूब चैनल पे है, संजीवनी के नाम से, संजीवनी चैनल में है ये सारे गाने. अगर आपको सुनने हैं, व्यूअर्स के लिए है, अगर आपको सुनने हैं पहाड़ी गाने, तो आप वहां पे जाके सुन सकते हैं. एंड जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन गानों की. हाँ,
बिकॉज काफी लोग विजय चौहान रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहाड़ी सॉन्ग मैम प्लीज टू लाइंस, उदय सिंह रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहाड़ी सॉन्ग, मिस्टर नीलेश चौहान इज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर जॉनसारी सॉन्ग सुना दो. ओके सो आई एम फ्रॉम जॉनसार, एक जॉनसारी सॉन्ग आपके लिए नीलेश चौहान. हिमस्वर का ही ये गाना जो मेरे पापा ने लिखा है, काफी मस्ती वाला गाना है. सो या घुंडुड़िया मोड़ी नचली मेरी प्योती रानिए, घुंडुड़िया मोड़ी नचली मेरी प्योती रानिए, घाघरा कुर्ती सजी धजी के घाघरा कुर्ती, घाघरा कुर्ती सजी धजी के खेलोटी सी जानिए, घुंडुड़िया मोड़ी नचली मेरी प्योती रानिए, घुंडुड़िया मोड़ी नचली मेरी प्योती रानिए. वाओ तो अभी और भी कुछ आप अगर सुनना चाहते हैं प्रियंका से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कोशिश करेंगे प्रियंका जरूर सुनाएंगी. अच्छा प्रियंका, हम बात कर रहे थे कि आपने इंडियन आइडल से शुरुआत की थी, तो क्या था कुछ थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में. सॉरी आई डिडंट, सुनाई नहीं दिया. आपने इंडियन आइडल से स्टार्ट किया था जर्नी, तो कैसे किया था, क्या था थोड़ा बताइए. सीखा नहीं था कभी म्यूजिक, अचानक चली गई, ऑडिशन दिया सीजन थ्री में, इंडियन सीजन थ्री में टॉप 40 तक पहुंची बिना सीखे, फिर वापस आई, फिर वापस आके मैंने एक साल की ट्रेनिंग ली मेरे गुरुजी से और फिर वापस गई इंडियन आइडल 4 में जिसमें मैं फाइनलिस्ट बनी. अरे वाह. और उसके बाद फिर कैसे फिर मुंबई शिफ्ट हो गए थे आप उत्तराखंड से. जी फिर मेरा ग्रेजुएशन एक्चुअली रहा हुआ था तो काफी डिस्कशन हुई इस बात के लिए क्योंकि मुझे बॉम्बे जाना था, तो फाइनली ये हुआ कि नहीं ग्रेजुएशन करके ही आप जाओ, बिकॉज आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और वहां पे एडमिशन मिलना भी आसान नहीं होता है. तो बहुत मेरे लिए टफ डिसीजन था बट आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन एंड उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गई अपना म्यूजिक में करियर पर्स्यू करने. ओके तो सबसे पहली एल्बम कौन सी थी आपकी, सबसे पहला सॉन्ग कौन सा था. सबसे पहला बॉम्बे आने के बाद ऐसे तो काफी सारे थे बट मैं कवर्स भी कर रही थी काफी सारे गानों का कवर्स, तो पहला जो कवर था मेरा वो था मैं जा रहा हूँ राहत फतेह अली खान साहब का, तो उसका कवर किया था जिसमें मैंने स्पेशली स्विमिंग सीखी जिसके लिए मुझे पानी से बहुत डर लगता था और ये वीडियो पानी के अंदर शूट हुआ है. तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जिन्होंने ये गाना नहीं देखा है मैं जहाँ रहूं भाई प्रियंका नेगी, आप लाइक कीजिए यूट्यूब पे और बहुत पुराना वीडियो है लेकिन काफी सारी यादें जुड़ी है उस वीडियो के साथ मेरी. अच्छा प्रियंका ने बिग बॉस देखा है आपने, तो रियलिटी शोज देखती हैं आप, बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी फॉलो करती हैं. थोड़ा थोड़ा फॉलो किया है मैंने, ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा थोड़ा फॉलो किया है बिकॉज मेरा भाई काफी बिग बॉस देखता है तो. तो अभी अगर हम बिग बॉस 13 की बात करें तो कौन फेवरेट है आपके. शहना, सिद्धार्थ, अजीम, आसिम, आसिम ना, आसिम, हिमांश, या ये दोनों जोड़ियां मेरी फेवरेट है. अच्छा तो कैसी लगती है आपको शहनाज, कैसी लगती है शहनाज और सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ की जोड़ी कैसी लगती है. सिद्धार्थ मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती उस पर क्योंकि मैंने मुझे उनके कैरेक्टर्स मतलब उतने अच्छे से नहीं पता. सिद्धार्थ का कैरेक्टर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, आई थिंक इज थोड़ा सा सीरियस, कभी कभी थोड़ा दिल पे ले लेते थे बात है ना, और शहनाज लाइक बिंदास गर्ल, फुल बिंदास है. हाँ या आई थिंक अच्छी थोड़ी है दोनों. अभी गाने भी आए थे, एल्बम्स आए थे, आपने तीनों के एल्बम्स देखे, हिमांशी, आसिम, सिद्धार्थ और शहनाज. या मैंने वो देखा कल्ला सोना नहीं, राइट वो देखा था. अच्छा तो अभी क्या फ्यूचर भी करने वाले हैं इनके कुछ कवर सॉन्ग जैसा. आई थिंक हाँ मैं इस गाने का कवर करूंगी क्योंकि काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे इनके गाने करने के लिए भी. या आई विल बी डूइंग द कवर ऑफ दिस वन फॉर श्योर. तो दो लाइन सुनाएंगे आप. बिल्कुल बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी, मैंने बहुत कम गाया है ये, एक बार ही गाया है आई थिंक सो. अच्छा
जो जो तू कह देना है, ओके, जो जो तू कह देना है, यहीं से स्टार्ट है ना, एम आई राइट? नहीं, ओके, आई सिंग फ्रॉम दिस पार्ट जो मेरा फेवरेट पार्ट है. थोड़ी देर च करदा हाँ, पर फोन पे कहना है की प्रधान मंत्री है, जिन बिजी तो रहना है, बिजी तो रहना है. मैनू मिठा बहुत पसंद है, कदे केक ले आया कर, कदे हाथ तो फड़िया कर, कदे पैर दबाया कर. तेरे फोन च मेरा नाम आके एक दिल भी भर दे, तू कल सोना नहीं ज्यादा ना बनिया कर वे, तू कल सोना नहीं ज्यादा ना बनिया कर ब्यूटीफुल अमेजिंग. सो फैंस आर वेटिंग फॉर दिस सॉन्ग. जी. फैंस वेट कर रहे हैं आपके इस गाने का. हाँ बिल्कुल, आई विल बी रिलीजिंग द सॉन्ग फॉर श्योर, यस. स्टार्टिंग की लाइन्स के साथ. आई एम नॉट बी स्टार्टिंग यहाँ से कवर में. तो प्रियंका, कुछ ऐसे अभी जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की, अपना करियर शुरू किया, तो देयर वर सम चैलेंजेस दैट यू फेस, बिकॉज यू केम फ्रॉम उत्तराखंड. ए उत्तराखंड से एकदम मुंबई आना, शिफ्ट होना, फिर सारी चीजें सिंगिंग है, क्या क्या कुछ रहा, थोड़ा चैलेंजेस शेयर करिए ना. इंडियन आइडल के बाद जब ग्रेजुएशन करके मैं बॉम्बे आई, थोड़ा तो चैलेंजिंग था. इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, चैलेंजिंग, काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि वापस से फिर लोगों की मेमोरीज वैसी बहुत शॉर्ट होती है. रियलिटी शो देखते हैं, 1 साल तक मैक्सिमम याद रहता है, उसके बाद फिर दे फॉरगेट अगर आप लाइमलाइट में नहीं रहे तो. मेरा पढ़ाई पे पूरा फोकस था आईटी के बाद, एंड उसके बाद फिर काफी लोगों को काफी लोग भूल चुके थे कि ऐसा कोई सीजन भी आया था जिसमें ये कंटेस्टेंट्स हैं. तो उसके बाद फिर आके वापस जो स्ट्रगल शुरू करने की बात है, तो बहुत डिफिकल्ट रहा. लेकिन फिर जब मैंने इवेंट्स करने स्टार्ट किए, तो एक इवेंट से दो इवेंट्स, दो से पांच, पांच से दस, फिर इवेंट्स बढ़ते ही गए, एंड पीपल लाइक्ड माई परफॉर्मेंस. एंड अभी तक आई थिंक मैं वर्ल्ड वाइड 1500 से ज्यादा शोज कर चुकी हूँ. या अभी बहुत अच्छा लगता है कि इट वाज वर्थ इट यार, बॉम्बे आना वाज वर्थ इट. ग्रेट. ओके, विच सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? विच विच सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? बहुत क्लोज है आपके हार्ट के. सॉन्ग? देयर आर मेनी. वन ऑफ द सॉन्ग इज लग जा गले, व्हिच आई ऑलवेज से, एंड देयर आर मोर सॉन्ग्स, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं. तो बस लेकिन या हमारे लिए मैं दो लाइंस लग जा गले. ऑलराइट. जी, हमें मंजूर है, मैं कौन सा वाला गा रही हूँ? एक तो गाना है आपकी नजरों ने समझा, दैट इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट, एंड लग जा गले. दोनों में ना मुझे ऐसा लग रहा है, एक एक दिल कह रहा है ये वाला गाओ, दिमाग कह रहा है नहीं दूसरा वाला गाओ, बट ओके, आई सिंग लग जा गले. लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो. लग जा गले हे से हमको मेरी है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको
आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जागरी से। वाह, बिल्कुल। और मेरी दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग्स, यू नो दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग सीरियसली। वैसे वो 80s 90s के जो गाने होते हैं ना, वो उनकी बात ही अलग होती है। अलग ही होती है बिल्कुल। एंड देयर आर माय फ्रेंड्स आल्सो हु आर ऑनलाइन जो मैसेज कर रहे हैं, आई सुमित सोनी कुड़ी ये सोने मुंडे क्या हाल है, वो भी आई थिंक बॉम्बे में है और काफी टाइम हो गया है। पता है, आई हैवंट मेट एनीवन, मतलब ऑनलाइन भी मैं बात नहीं कर पाई अपने फ्रेंड से। सो सुमित इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द टैलेंटेड प्रोग्रामर कंपोजर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, वाह, सुमित साहा। ओके, हाय सुमित, हाउ आर यू? ओके, तो अभी जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बीच में रह गए, कुछ एल्बम्स या कुछ गाने आने वाले हैं, कुछ शेयर करिए। राइट 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 कुछ आने वाले थे मेरे गाने, बट लॉकडाउन की वजह से अटक गए ऑफ कोर्स। बट जैसे ही खत्म होगा, आई होप काम दोबारा से स्टार्ट हो एंड जो अटके में प्रोजेक्ट्स वो रिलीज हो बहुत जल्दी जल्दी। आई एम ऑल्सो वेटिंग। तो अभी मूवी में भी कुछ गाने आने वाले हैं आपके, किसी बॉलीवुड मूवी में? राइट, एक मूवी है जिसमें आने वाला है मेरा एक गाना विद मोहित चौहान, ओके, तो मे बी वो लॉकडाउन के बाद वो दोबारा से उस पे आई थिंक शूटिंग चल रही थी उस मूवी की, तो रुक गई अच्छा। होगी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद दोबारा से शूटिंग स्टार्ट होगी, फिर गाने फिर रिलीज होंगे। तो या अभी नीलेश बोल रहे हैं, जय माहेश्वरी देवता वाला सॉन्ग गाया था आपकी इंडियन आइडल में। जय महासु देवता वाला इंडियन आइडल में मैंने गाया था, नैना भुया और मासु देवता वाला सॉन्ग हिमस्वर एल्बम में था। तो ये दो अलग गाने हैं। आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए। रियल म्यूजिक, यू हैव अमेजिंग वॉइस, थैंक यू सो मच। एक बार फैंस को हाय बोल सारे दीजिए, फैंस का कमेंट। कमेंट्स, या आई एम जस्ट आई एम रीडिंग लाइक फ्यू ऑफ द कमेंट्स। आई एम फ्रॉम कानपुर नियर देहरादून, आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू अंकित। दिस बॉय, यार मेरा भी कमेंट मैसेज रीड कर लो, रीड कर लिया है मैक किंग। या ओके, वी विल हैव अ स्मॉल सेशन। सो फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, मुझे आए दिन क्रश होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो फर्स्ट सेलिब्रिटी वाज आई थिंक आई कांट रिकलेक्ट यार, जो अभी है वो पूछ सकते हो आप। अच्छा, अभी कौन है? अभी कौन है? अरे शादी हो गई यार उनकी, रणवीर सिंह। ओके, फिल्म और वेब सीरीज? सॉरी, फिल्म्स और वेब सीरीज? फिल्म्स। ओके, तो यू अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी वेब सीरीज देख रहे हो आप? नहीं, मैं वेब सीरीज मुझे देखने का अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बाकी चीजें करने में पूरा दिन निकल जाता है सीरियसली। मतलब घर में भी यू नो आई एम लाइक हेल्पिंग माय मॉम एंड फिर उसके बाद काफी सारी और चीजें, फिटनेस पे ध्यान देना, फिर बहुत सारी और चीजें हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो मतलब बहुत रेयर होता है, यू नो मिल नहीं पाता। ये टाइम में गंवाना नहीं चाहती एंड आई वुड लाइक सजेस्ट अदर पीपल आल्सो कि अगर आप घर पे अपनी फैमिली के साथ है तो ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ स्पेंड करें। बिल्कुल। ओके, योर फेवरेट सिंगर, माय फेवरेट सिंगर, एंड यू हैव टू सिंग टू लाइंस आल्सो। ओके, आशा जी, लता जी, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल।
अच्छा तो 3 बजे किसका गाना गाने वाले हो? चारों मेरे फेवरेट है ऑल टाइम। ओके तो एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ देम, कोई भी 2 लाइंस? एनी फेवरेट सॉन्ग उनका, उनमें से किसी का भी ना? ओके मैं आशा जी का एक गाना, जवानी जाने मन हसीन जरूबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ ये क्या जुलम हुआ, ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो, जवानी जाने मन हसीन तजुर्बा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। वाओ ओके सो एनी इमोशनल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? एनी इमोशनल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, इमोशनल भी मैं होती रहती हूँ आए दिन। ऐसा जो कोई मेमोरी में अभी तक है आपके बचपन का या कोई चाइल्डहुड का When I या got अभी तक? selected for Indian Idol, ओके तो जब मुझे वो येलो कार्ड मिला था कि आप ओके बॉम्बे आ रहे हैं, यू आर कमिंग टू बॉम्बे, यू नो वो वाला टाइम जो पहला स्टेप था। तो अभी सी पेरेंट्स, यू आर ऑन दैट स्टेज सी, पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते होंगे, तो क्या उसके बारे में क्या कुछ बोलेंगे? आई थिंक उनका सपोर्ट ही है जिसके वजह से मैं इस फील्ड में अभी तक टिकी हूँ एंड जो भी कर पा रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ देम एंड आई गेट लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम माई फैमिली। तो अभी लास्ट में वही पूछूंगी कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत बाद क्या कुछ करने वाले हैं? लॉकडाउन खुलने के बाद तो मतलब वो एक वो होता है ना, वो भूखा शेर कैसे जाता है, निकलता है एकदम शिकार पे, ऐसे निकलने वाली हूँ मैं। जिस घूमने तो वाली हूँ ऑफकोर्स, एक्सप्लोर करने वाली हूँ जगह, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और अपने फ्रेंड्स से मिलने वाली हूँ फ्रॉम म्यूजिक फ्रेटर्निटी, और जो भी बॉम्बे में मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ, सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने वाली हूँ काफी सारे जो मैं करना चाहती थी। सो या लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू डू आफ्टर लॉकडाउन। और अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस समय? यही कहना चाहूंगी कि बहुत सिंपल सी चीज है, पता नहीं अभी भी क्यों समझ में नहीं आ रही है लोगों को, समझ जाइए, घर पे रहिए, ये हम सबकी भलाई के लिए है। तो बहुत ही खराब चीज है, खतरनाक चीज है जो हो रही है और अभी तक हो रही है। आई नो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है 3 मई तक, उसके बाद भी शायद और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन जो भी हो रहा है वो हम सबके भले के लिए हो रहा है, तो जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो प्लीज अपनी जान की परवाह कीजिए, अपनी फैमिली की जान की परवाह कीजिए, एंड जो भी दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन वो सब फॉलो करें, बस यही मेरी अपील है सबसे, और घर पे रहें प्लीज। चलो ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका लाइव आने के लिए, एंड बी सेफ, बी एट होम एंड टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स प्रियंका। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गाइस फॉर बाय। ज्वाइनिंग मी, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग बिफोर गोइंग, जो गाने जो रिक्वेस्ट मैं अभी नहीं ले पाई, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, मैं 6 बजे फिर लाइव आ रही हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, एंड यू कैन रिक्वेस्ट योर सॉन्ग्स देयर एंड आई विल ट्राई टू सिंग ऑल द सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच, बाय। चलो ओके बाय। सो गाइज, हमारे साथ थी प्रियंका, और जैसे कि प्रियंका का गाना था आवारा कोरोना, और कितने अच्छा, जितने लोगों ने नहीं सुना है वो जाके सुन सकते हैं अभी गाना। तब तक के लिए हम आपसे अभी घर पे रहिए, सेफ रहिए, इस समय कोरोना का बहुत कहर चल रहा है, और आप जितना घर पे रहेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे,
और जो भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उनको फॉलो भी करिए, और फिर मैं आऊंगी या शाम को फिर आती हूँ आपको मैं, आप हमारे बॉलीवुड कलर का जो इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो करिए और मैं फिर आऊंगी आपके साथ लाइव। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर एंड बाय।